classes. This is Priyanka Khilesh Dikshit and I hope ki you all are doing good at your homes. So, आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स के तीनों लॉ की स्टेटमेंट एक शॉर्ट ब्रीफ में. आपको हर एक लॉ की जो डिटेल्ड वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी जाएगी. आप तीनों लॉ को डिटेल में देख सकते हैं. तीनों वीडियो जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स एट रेस्ट और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट वॉन्ट्स टू बी इन मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है मोशन है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहेगी कि मैं मोशन में ही रहूं और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट पर ही रहूं जब तक उस पर कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स जो है आकर अप्लाई नहीं हो जाता. ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा. इसके अलावा हम जो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं बिकॉज जो ये कंसेप्चुअल नॉलेज है ये इनर्शिया के नाम से. इनर्शिया का भी जो फुल वीडियो है आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा. उसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक पे दे दी जाएगी. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है वो ये है. आप लोगों को अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करते हैं. सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन. ठीक है, तो फोर्स जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन. ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, के कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है. तो ये हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन. वही हमने क्या है इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया. आपको पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एक तरह का न्यूमेरिकल लॉ है. ठीक है, अब हम करते हैं हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स के थर्ड लॉ को. ठीक है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ एफ ए ऑन ऑब्जेक्ट बी देन साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ एफ बी ऑन ऑब्जेक्ट ए ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ए जो है अगर ऑब्जेक्ट बी पर एफ ए फोर्स जो है वो लगाएगी तो ऑब्जेक्ट बी भी जो है एफ बी फोर्स जो है ऑब्जेक्ट ए पे लगाएगा. हमने ये पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ. आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपको पसंद आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.